अयाना लाइफ स्टाइल में आप सबका स्वागत है। आज हम नेक्स्ट स्वेटर डिज़ाइन पे आ गए हैं। ये जेंट्स का स्वेटर डिज़ाइन है। आप देख सकते हो इस डिज़ाइन का लुक बनने के बाद इस तरह से आएगा। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप 110 से 120 फंदे डाल सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आप इस डिज़ाइन को बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस डिज़ाइन के सैम्पल का लुक बनने के बाद इस तरह से आएगा। ये सैम्पल हमने आपको 26 फंदों पे डाल के दिखाया है और 6 सिलाई में जाके ये डिज़ाइन हमारा ओवर हो जाएगा। आज का डिज़ाइन भी हमने हमारे सब्सक्राइबर के डिमांड पे बनाया है। अगर आपके पास भी कोई डिमांड है और आप चाहते हैं उसका ट्यूटोरियल हम आपको बना के दें तो आप आपके डिज़ाइन हमें हमारे फेसबुक मैसेंजर पे सेंड कर सकते हैं। फेसबुक मैसेंजर पे सेंड करने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। दूसरी बात, एक सब्सक्राइबर एक ही डिज़ाइन भेजे, उससे ज़्यादा ना भेजें। तीसरी बात, एकदम क्लियर पिक्चर भेजें आपके डिज़ाइन के, बिल्कुल भी ब्लर पिक्चर ना भेजें। चौथी बात, कोई भी लिंक या इमेजेस दूसरे यूट्यूबर्स कि हमें ना भेजें। पांचवी बात, आपको हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना होगा। और छठी बात, आपको आपके डिजाइंस प्रॉपरली फेसबुक मैसेंजर पे भेजने होंगे और आपके डिजाइंस 15 से 20 दिन के अंदर हम हमारे यूट्यूब पे पोस्ट कर देंगे। अब हम चलते हैं सीधा ट्यूटोरियल पे। पहली सिलाई हम सीधी बुनेंगे। सबसे पहले हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन पीछे ले जाके दो फंदों को सिलाई पर से उतारेंगे। इसके बाद फर्स्ट फंदे को हम पीछे से लेंगे और सेकेंड फंदे को हम आगे से इस तरह से घुमा देंगे और इस सेकंड फंदे को हम फिर सीधा बुनेंगे। फिर ऊन आगे लाके पहले फंदे को हम उल्टा बुन देंगे। अगर आपको अब भी कोई कंफ्यूजन है तो स्क्रीन पे वापस देखिए ध्यान से। देखिए, दो फंदों को हमने उतारा, दूसरे फंदे को पीछे से ले गए, पहले फंदे को आगे से ले गए, फिर दूसरे फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। देखिए, इस तरह से दूसरा फंदा सीधा बुनने के बाद हम ऊन पीछे ले जाएंगे और पहला फंदा सीधा बुन देंगे। और इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए हमें हमारी पूरी पहली सिलाई को कंप्लीट करना होगा। और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए आपको आपकी पूरी पहली सिलाई को कंप्लीट करना होगा। अब हम आते हैं दूसरी उल्टी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे, उसके बाद ऊन पीछे ले जाके दो फंदे सीधे बुनेंगे। इस तरह से दो फंदे सीधे बुनने के बाद वापस ऊन आगे लाके दो फंदे उल्टे बुनेंगे और उसके बाद वापस ऊन पीछे ले जाके दो फंदे सीधे बुनेंगे। इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए हमें हमारी पूरी दूसरी सिलाई को कंप्लीट करना होगा। इस सिलाई को आप बहुत ध्यान से देख लीजिए क्योंकि आगे आपको इस सिलाई के जैसे चौथी सिलाई और छठी सिलाई भी बनानी होगी। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी दूसरी सिलाई ऑलमोस्ट ओवर होती है। अब हम आते हैं तीसरी सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, फिर ऊन आगे लाके दो फंदे उल्टे बुनेंगे। इसके बाद वापस ऊन पीछे ले जाके दो फंदे सीधे बुनेंगे, फिर ऊन आगे लाके दो फंदे उल्टे बुनेंगे। और इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए, यानी कि दो फंदे सीधे और दो फंदे उल्टे, इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए हमें हमारी पूरी तीसरी सिलाई को कंप्लीट करना होगा। तीसरी सिलाई को आप बहुत ध्यान से देख लीजिए क्योंकि आगे आपको इस सिलाई के जैसे पांचवी सिलाई भी बनानी होगी। और इस तरह से आप देख सकते हो हमारी तीसरी सिलाई भी ऑलमोस्ट ओवर होती है। 6 सिलाई के कंप्लीट होने के बाद का फाइनल लुक इस तरह से आएगा।
अब देखिए सातवीं सिलाई से हम हमारी केबल का मुंह वापस से घुमाएंगे, यानी कि हमारे ये जो दो सीधे फंदे हैं इसमें हम पहले फंदे का मुंह राइट हैंड साइड की तरफ घुमाएंगे और दूसरे फंदे का मुंह लेफ्ट हैंड साइड की तरफ घुमाएंगे। तो अब हम चलते हैं सातवीं सीधी सिलाई की तरफ। इसमें शुरू का पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे, उसके बाद दो फंदों को हम सिलाई पर से उतारेंगे। ध्यान दें, अब हमें फली का मुंह लेफ्ट हैंड साइड की तरफ घुमाना है। इसके लिए हम पहले फंदे को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले गए और सेकंड फंदे को हमने उल्टा बुन लिया और उसके बाद ऊन पीछे ले जाके पहले फंदे को हमने सीधा बुन लिया। इसके बाद ध्यान दीजिए, हमने वापस से दो फंदों को उतारा और सेकंड फंदे को हम पीछे की तरफ से ले गए और पहले फंदे को हम आगे की तरफ से ले। इसके बाद सेकंड फंदे को हमने सीधा बुन लिया और ऊन आगे लाके पहले फंदे को हमने उल्टा बुन लिया। और इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए आपको आपकी पूरी सातवीं सिलाई को कंप्लीट करना होगा। ध्यान दीजिए, अगर आप हमारे चैनल के अपडेट्स जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं हम फ्यूचर में कौन से वीडियोस अपलोड करेंगे, तो हमारा फेसबुक पेज अयाना लाइफस्टाइल का ज़रूर लाइक करें। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर जा कर के आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हो और हमारे सारे चैनल के अपडेट्स को जान सकते हो। इसके बाद ध्यान दीजिए, आठवीं सिलाई आपको दूसरी सिलाई के जैसे बनानी होगी, नवीं सिलाई तीसरी सिलाई के जैसे बनानी होगी, फिर वापस दसवीं सिलाई दूसरी सिलाई के जैसे और ग्यारहवीं सिलाई तीसरी सिलाई के जैसे और आखिरी में बारहवीं सिलाई आपको दूसरी सिलाई के जैसे बनानी होगी। इसके बाद तेरहवीं सिलाई आपको पहली सिलाई के जैसे रिपीट करनी होगी और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए आपको आपके पूरे स्वेटर को कंप्लीट करना होगा। पूरे स्वेटर के कंप्लीट होने के बाद का फाइनल लुक आप देख सकते हो, बनने के बाद इस तरह से आएगा। और यही पे हमारा आज का ट्यूटोरियल भी ओवर होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड बाय।